नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स और उसी के साथ एफओएमसी मीटिंग से जुड़ी क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है उनको भी यहां पर कवर करेंगे। लेकिन आते हैं सबसे पहली अपडेट की ओर, जो एक पॉजिटिव अपडेट है क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि ब्राज़ील की एक बड़ी बैंक ने यहाँ पर जब से अपनी सर्विसेज को लॉन्च किया हुआ है, यहाँ पर एक बड़ा माइलस्टोन इनके द्वारा कंप्लीट हो चुका है। ब्राज़ील लार्जेस्ट डिजिटल बैंक न्यू बैंक रीचेस 1 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स आफ्टर जस्ट अ मंथ। जहां पर ब्राजील की जो लार्जेस्ट डिजिटल बैंक है न्यू बैंक, उन्होंने यहां पर क्रिप्टो की सर्विसेज को जून में लॉन्च किया था और एक महीना हुआ है इनकी सर्विसेज को लॉन्च हुए और इन्होंने यहां पर एक काफी बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट किया है। मतलब एक काफी बड़ी कम्युनिटी इनसे जुड़ चुकी है। लगभग यहां पर 1 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स हो चुके हैं जो अब इनकी सर्विसेज को यहां पर यूज कर रहे हैं। मतलब कंपनी ने यहां पर 11 मंथ पहले, क्योंकि इनका यह टारगेट रखा गया था कि 12 महीने का यह शेड्यूल है और 12 महीने में यहां पर 1 मिलियन का आंकड़ा इनको छूना है जो क्रिप्टो यूजर्स का होगा, लेकिन यहां पर ये पहले ही कंप्लीट हो चुका है। 1 महीने में यहां पर 1 मिलियन से ज्यादा, लगभग 10 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं जो इनकी बैंक से जुड़े हुए हैं, जो यहां पर क्रिप्टो की सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, जो एक काफी बड़ी अपडेट है। क्योंकि अगर हम यहां पर किसी भी कंपनी की बात करें, क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से एडॉप्शन चल रहा है, जिस प्रकार से नेगेटिव न्यूज निकल कर आ रही है, उसके बावजूद यहां पर जो क्रिप्टो है उसकी कम्युनिटी आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर हम इस कंपनी की बात करें, टोटल इससे 47 मिलियन से ज्यादा यूजर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें से 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स यहां पर हो चुके हैं जो क्रिप्टो की सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें, इन्होंने यहां पर BTC, ETH, उसके साथ ही कुछ और ट्रेडिंग पेयर्स है जिनको अवेलेबल किया हुआ है इनके कस्टमर्स के लिए। इसके अलावा अगर हम यहां पर अदर कंपनीज की बात भी करें, मेक्सिको बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज बीट्सो ने भी यहां पर अनाउंस किया हुआ है कि इनके भी यहां पर 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं ब्राजील में। ब्राजील एक ऐसा मार्केट है जहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर काफी सारे लोकल एक्सचेंजेस भी, अगर हम मेरकाडो बिटकॉइन की बात करें, ये एक ऐसा एक्सचेंज है जिसके 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। तो उसके बावजूद यहां पर जो मेक्सिको का बीट्सो एक्सचेंज है, वो भी यहां पर 1 मिलियन का माइलस्टोन कंप्लीट कर चुका है, जो एक काफी पॉजिटिव अपडेट है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की, जो एफओएमसी की मीटिंग से जुड़ी हुई है। एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होने वाली है? अगर हम इस मीटिंग की बात करें, 26 और 27 जुलाई, मतलब 2 दिन ये मीटिंग होती है, और यहां पर आज के दिन मतलब 2:30 PM को इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहां पर ऑर्गेनाइज होने वाली है। चेयरपर्सन यहां पर पॉवेल जो है वो इसे होस्ट करने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर लाइव होगी, ये ET टाइम के अनुसार है। अगर हम इंडियन टाइम के अनुसार बात करें, मिडनाइट लगभग 11 से 12 बजे के बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होने वाली है, जिसमें यहां पर जो चेयरपर्सन पॉवेल है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाले हैं। और जो अपडेट्स है दोस्तों वो यहां से निकल कर आ सकती है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की। मतलब यहां पर उम्मीद की जा रही है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाएगा। किस बेसिस पर बढ़ाया जाता है? 75 से 100 बेसिक पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ाया जाता है, या फिर इससे ज्यादा यहां पर इसे बढ़ाया जाता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि इस मीटिंग का इंतजार यहां पर काफी समय से हो रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट की अगर हम बात करें, जो यहां पर यूएस से जुड़ी हुई है, और यूएस में एक नए बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है इनके सेनेटर्स के द्वारा। यूएस सेनेटर्स इंट्रोड्यूस बिल टू एक्सेम्प्ट स्मॉल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन फ्रॉम टैक्सेस। जहां पर अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में एक नए बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है और यहां पर वो जो क्रिप्टो करेंसी का यूज है उसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं एवरीडे परचेस के लिए। मतलब हर दिन के लिए जो यहां पर छोटी छोटी परचेसेस होती है उसमें कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि डिजिटल करेंसी का यूज हो, बाय क्रिएटिंग टैक्स एक्सेम्पशन फॉर पर्सनल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। और यहां पर कर में छूट भी दी जाएगी, मतलब टैक्स में छूट भी दी जाएगी अंडर $50 एज वेल। जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन होगा $50 से कम होगा, उसके साथ ही कैपिटल गेन भी अगर आप देखें वो लेस देन $50 होगा। तो यहां पर इस पर जो टैक्स है वो फ्री होगा और उसी के साथ इसका यूज जो है वो डेली लाइफ में किया जाना चाहिए, ऐसा यहां पर इस बिल में कहा गया है। मतलब ये जो बिल पेश किया गया है इसमें इनका मानना है कि एवरीडे परचेस में जो डिजिटल करेंसी है उनका कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, जो आने वाले टाइम में कस्टमर्स के लिए एक फायदेमंद डील साबित हो सकता है, और उसी के साथ यहां पर जो डिजिटल करेंसी है उसका भी एडॉप्शन और यूज देखने को मिलेगा। अब आते हैं अगली अपडेट की ओर, जो कॉइनबेस से जुड़ी है। अगर हम कॉइनबेस की बात करें, कॉइनबेस एक काफी बड़ा एक्सचेंज, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा मुश्किल में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 3 पीपल फेमिलियर विद द मैटर, द SEC विल बी एग्जामिनिंग इफ कॉइनबेस इज अलाउड अमेरिकन कस्टमर्स टू ट्रेड क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड सिक्योरिटीज। यहां पर ऐसा मानना है इनका कि जो SEC है वो एग्जामिन कर रही है कॉइनबेस को, और इसका रीजन ये है कि कॉइनबेस ने यहां पर कुछ ऐसी क्रिप्टोकरेंसीज को भी कंसिडर किया हुआ है जो यहां पर सिक्योरिटीज में आती है। मतलब उन्होंने अपने एक्सचेंज पर इन्हें प्रोवाइड किया है, जिनकी ट्रेडिंग यहां पर इन्होंने अवेलेबल की है, जो यहां पर SEC की रडार में
में है और यहाँ पर वो इसे सिक्योरिटीज में कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर रेवेन्यू रिपोर्ट, वो यहाँ पर शेयर होते हुए नजर आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें, $51.87 बिलियन का रेवेन्यू यहाँ पर Q2 2022 में माइक्रोसॉफ्ट का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गूगल की अगर हम बात करें, इसका रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं $69.69 बिलियन रेवेन्यू यहाँ पर Q2 2022 में देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर दूसरी कंपनीज की भी बात करें, काफी सारी कंपनीज का जो रेवेन्यू है लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पर काफी ज्यादा गिरा हुआ है, क्योंकि चाहे हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें या शेयर मार्केट की बात करें, काफी ज्यादा डाउन में गया हुआ है। इसके अलावा अगली अपडेट है यहाँ पर रिपल से जुड़ी है। रिपल हैज पार्टनर्ड विद पेमेंट कंपनी FOMO पे टू इंप्रूव इट्स क्रॉस बॉर्डर ट्रेजरी फ्लोज। जहां पर FOMO के साथ रिपल ने पार्टनरशिप की है पेमेंट कंपनी है, ताकि वो यहाँ पर अपना जो क्रॉस बॉर्डर इनफ्लोज है उसे यहाँ पर इम्प्रूव कर सके। और अगर हम बात करें मार्केट की, मार्केट लास्ट 24 आवर्स में 0.62% ऊपर है और टोटल मार्केट कैप $973 बिलियन। BTC यहाँ पर 21 के एरिया पर बना हुआ है लास्ट 24 आवर्स में। ज्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन लास्ट 7 डेज में ऑलमोस्ट यहाँ पर 9% डाउन में आया हुआ है। काफी सारे कॉइन सेल जो लास्ट 7 डेज में आप देख सकते हैं अच्छे खासे गिरे हैं, लगभग 15-20% का प्राइस यहाँ पर नीचे आया हुआ है। और उसी के साथ सोल $35 के आसपास, डॉज भी काफी कम और शिबा भी आप देख सकते हैं यहां पर लास्ट 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 0.75, लेकिन लास्ट 7 डेज में 12% डाउन में आया हुआ। तो मार्केट अभी यहां पर थोड़ा स्टेबल नजर नहीं आ रहा है। अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं BTC जो है वो 20 के आसपास भी जाता हुआ नजर आ सकता है। 21 यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें 22-23 यहां पर 24 का एरिया भी हिट करके आया हुआ था, लेकिन फिर से यहां पर डाउन में आया हुआ है। दोस्तों और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।